बड़े बड़े बाल, आंखों में सुरमा, माथे पर लाल टीका और कंधे पर गमछा, यही पहचान थी दुर्लभ कश्यप की। दुर्लभ ने 16 साल की उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। वो बताता था कि मुझे टॉप गैंगस्टर बनना है। इसके ग्रुप में काफी तादाद में कम उम्र के बच्चे थे और ये आगे चलकर बड़ी गैंग बन गए और ये उसके जिगर और हिम्मत के लिए काफी माना जाता था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाला दुर्लभ कश्यप फेसबुक के जरिए अपना काफी प्रचार किया करता था। दुर्लभ हाफ मर्डर और मर्डर में 2 साल तक जेल में रहा। उसने बीजेपी लीडर के बेटे का भी अपहरण किया था, लेकिन 7 सितंबर 2020 को दुर्लभ किसी चाय की दुकान में गया। वहां उसकी शाहनवाज नाम की दूसरी गैंग से कहासुनी हो गई। उसने अपनी बंदूक निकालकर शाहनवाज पर गोली चलाई, जो जाके उसके कंधे पर लगी और शाहनवाज के दोस्तों ने दुर्लभ पर चाकू से वार करना शुरू कर दिए। दुर्लभ की ये हालत देखकर उसके दोस्त वहां से भाग गए और जुर्म की दुनिया की चाहत रखने वाला दुर्लभ कश्यप का चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। उसे 34 चाकुओं के वार से मारा गया था।